एक जनता के बीच में उन्होंने दिखावटी अपनी छवि बना रखी, लेकिन वास्तविकता ये कि शिवराज सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावटी आंसू बहाते हैं। आप देखें किसानों के ऊपर गोली चलती है, उपवास से बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री जिसको मैदान में जाना चाहिए वे उससे बचने के लिए, एक शुगर पेशेंट मुख्यमंत्री जिसके लिए उपवास हानिकारक है, वो उपवास पे बैठ के और करोड़ों रुपए का एयर कंडीशनर उपवास करता है। सब नेता अपने अपने मोर्चों पे लगे हुए हैं और सब एकजुट है, और इस बार सबने मन बना लिया है कि हमको तेरा मेरा छोड़ के हमें सिर्फ सरकार कैसे लाना उसकी बात करनी, चेहरा कोई भी हो। कमलनाथ जी को, सिंधिया जी को, सब बोल चुके, बयान दे चुके कि किसी को भी चेहरा बना दो। सबका लक्ष्य एक ही है कि इस मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना। तो राहुल गांधी की छवि निखरी है, राहुल गांधी को लोगों ने पसंद किया है, जिसका परिणाम है कि हमारा वोट बैंक जो 31% था गुजरात के अंदर वो 38% तक गया है। भाजपा का जो वोट प्रतिशत 2014 में 60 था वो 48 पे गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में, और आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। कांग्रेस पार्टी देश भर में एक बार फिर से सत्ता में आने की कवायदों में जुटी हुई है। गुजरात चुनाव परिणाम के बाद और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या जो है तैयारियां चल रही है, और मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस के नेता किस रणनीति को अपना रहे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी। सबसे पहले सलूजा जी, द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो का स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा कि मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव है और एक और कांग्रेस पार्टी है, दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान, किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की है? कांग्रेस तो पिछले 2 वर्ष से तैयारियां कर रही है। बात करें तैयारियों की तो जो शिवराज सरकार की विफलताओं के तमाम मुद्दे हैं, आप देखेंगे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से किसान आज नाराजगी, आज किसान दिवस है, सबसे पहले तो मैं किसानों को, किसान भाइयों को, अपने अन्नदाताओं को बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्रदेश के अंदर यदि अन्नदाता सुखी नहीं हो तो उस प्रदेश की नीतियां सारी बेकार है, उस प्रदेश के अंदर सारी योजनाएं बेकार है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसान लगातार अपनी वाजिब मांगों को लेकर, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करें, चाहे उनकी लागत मूल्य की बात करें, चाहे उनकी कर्ज माफी की बात करें, चाहे उनके बिजली के बिल की बात करें, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि मंदसौर के अंदर किस प्रकार किसानों के छातियों पर गोलियां दागी गई, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई, उनके ऊपर लाठियां दागी गई, बाद में झूठे मुकदमे लगाए गए, उन्हें जेलों में ढूंसा गया। फिर उनके उस आंदोलन के बाद आपने देखा होगा कि शिवराज किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए उपवास पर बैठ गए। उपवास के बाद ताबड़तोड़ उन्होंने घोषणाएं करी, जिसके अंदर से प्याज की खरीदी की बात करी, उस प्याज खरीदी, दाल खरीदी के अंदर बड़ा घोटाला सामने आया। उस घोटाले को ढकने के लिए भावांतर योजना लाई गई, जिस भावांतर योजना के भौर जाल में किसान फंस चुका है, उस योजना की जानकारी किसानों को तो छोड़ो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को नहीं है, कृषि मंत्री खुद बता चुके हैं और अधिकारी आके भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये स्थिति है। तो लगातार शिवराज सरकार के जो निर्णय है वो किसान विरोधी है, किसान सबसे ज्यादा दुखी है। तो इन सब बातों को लेके, चाहे बात करें प्रदेश की रेत नीति नहीं है उसकी बात करें, चाहे महिलाओं के दुष्कर्म की बात करें, सर्वाधिक दुष्कर्म मध्य प्रदेश में महिलाओं में देश में प्रथम है, 4582 एनसीआरबी का भी ताजा आंकड़ा है वर्ष 2016 का। तो किस प्रकार एक दिन में 12 से अधिक 13 महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, अभी एक नया कानून लाए कि मासूम बच्चों से दुष्कर्म पे फांसी की सजा। लेकिन कितना आश्चर्य की बात है कि जब वे कानून लाते हैं उसी समय, अभी विधेयक, वो कानून नहीं बना, एक विधेयक विधानसभा पारित हुआ है, उसी समय एक भोपाल में भी कांड होता है और सागर की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जिंदा जला दिया जाता है, और जिस दिन उस बच्ची का निधन होता है, दुखद निधन, और वहीं शिवराज अपना अभिनंदन खूब प्राइवेट ढंग से करा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं लगातार, और हमारी तैयारियां चल रही है। लेकिन चूंकि वर्ष 2018 चुनावी वर्ष है, तो इसको लेके रोड मैप बनाने को लेके हमारे जो प्रभारी महासचिव, उनका भी दौरा लगातार चल रहा है, बैठ के चल रही है, अभी वो प्रदेश में ही है। तो लगातार हम लोग कैसे, किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाए, अपने संगठन की कमियों को कैसे दूर करें, इन सब बातों को लेके मंथन कर रहे हैं। आपने बात की किसानों की, आपने बात की सरकार की नीतियों की, लेकिन देखने में ये आता है लगातार 12 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान जो है बने हुए हैं, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं शिवराज को लेकर बड़ी सॉफ्ट सी छवि है,
कांग्रेस लगातार विरोध करती है, लेकिन देखने में आता है कांग्रेस का विरोध दरकिनार कर लोग एक बार फिर शिवराज की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि क्या शिवराज एकमात्र से व्यक्ति जो शायद एक छवि को छोड़ पाए हैं लोगों के दिलो दिमाग में? देखो, शिवराज की जो छवि दिखावटी छवि, मैं उसके आपको कुछ उदाहरण दूंगा। शिवराज खुद को संवेदनशील मुख्यमंत्री बनाते हैं और अपने एक सॉफ्ट छवि और भाषणों के अंदर ऐसे कि जैसे वे किसी परिवार से जुड़े हुए, लेकिन उनका एक दूसरा रूप आपको बताता हूँ। आप देखें कि वो छिंदवाड़ा में जाते हैं, भावांतर को लेकर सम्मेलन करते हैं, और उसी उनके सम्मेलन को लेकर जो भीड़ लाई गई उसके अंदर एक वृद्ध किसान की मृत्यु हो जाती है और वो भीड़ से भगदड़ से होती है और वो उसको छोड़ के वहां से निकल जाते हैं। इसी प्रकार वो सागर में जाते हैं सभा करने, तो उन्हीं के सभा स्थल मंच पे उन्हीं के सागर के जिला अध्यक्ष राजा दुबे की मौत हो जाती है, अटैक आ जाता है, और वो उस तब भी उनका कार्यक्रम यथावत चलता है और वो चले जाते हैं और दूसरे दिन भी उसके अंत्येष्टि में शामिल होते हैं। ऐसे ही अभी वो कल परसों शिवपुरी में दो चार दिन पहले की घटना है, एक आदिवासी था उसको अटैक आ गया, तो तब भी अविरत शिवराज का भाषण चलता रहा। तो शिवराज की छवि, और दो उदाहरण और देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि चित्रकूट चुनाव के दौरान एक लाल सिंह लालमन गोड़ करके आदिवासी के घर और रात्रि विश्राम उन्होंने किया था। उस आदिवासी के घर को पूरी तरह से करीने से सजाया गया था, नया टॉयलेट, उसकी प्लाईवुड की दीवारें और सब बनाई गई थी, और दूसरे दिन जैसे शिवराज जाते तो सारी चीजें उखाड़ ली जाती। ऐसे ही अभी एक किस्सा जो ताजा सामने आया कि शिवपुरी के सेसई गांव में वो जाते हैं आदिवासी सम्मेलन में, तो छोटी मासूम बच्चियों का देवी के रूप में पूजन करके उनके पैर धोते हैं, पैर पूछते हैं, और उपहार में दिए गए कपड़े, नए कपड़े और राशि जो है वो उनके जाते अधिकारी वापस ले लेते हैं। तो शिवराज का ये असली चेहरा है, एक जनता के बीच में उन्होंने दिखावटी अपनी छवि बना रखी, लेकिन वास्तविकता ये कि शिवराज सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावटी आंसू बहाते हैं। आप देखें किसानों के ऊपर गोली चलती है और उपवास से बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री जिसको मैदान में जाना चाहिए वे उससे बचने के लिए, एक शुगर पेशेंट मुख्यमंत्री जिसके लिए उपवास हानिकारक है उपवास पे बैठ के और करोड़ों रुपए का एयर कंडीशनर उपवास करता है, लाखों रुपए के कूलर गद्दे नए लगते हैं और दिखावटी उपवास करके, और जो परिजन आप देखें कि जिसके घर गमी होती है, हिंदू संस्कृति के अंदर 12 दिन का शोक होता है, उस गमी वाले परिवार को भोपाल उपवास पे बिठा कर और उनको सांत्वना देना, जबकि कायदे से शिवराज को वहां जाना चाहिए। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि अभी मालवा के एक सैनिक की सैनिक नीलेश धाकड़ की डेथ हुई, उस नीलेश धाकड़ के परिजनों से मिलने की उन्हें फुर्सत नहीं, चुनाव में लगे तो उनके परिजनों को भी उन्होंने भोपाल बुला लिया। तो शिवराज इस तरह के कौतुक और नौटंकी करने में माहिर है, कोई सॉफ्ट छवि नहीं, कोई संवेदनशील नहीं, बल्कि मैं तो असंवेदनशील और एक हार्ड चेहरा शिवराज का मानता हूँ। तो इन तमाम सारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? हम निरंतर सारे मामलों को देखें। अब आप देखें जो ये शिवपुरी वाला वाकया हुआ, उसको भी हमारे बड़े नेताओं ने, सिंधिया जी, कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, सबने इस मामले को उठाया कि शिवराज किस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पर। या किसानों की बात करें तो लगातार हम भावांतर योजना का विरोध कर रहे हैं, हम लगातार प्रदेश में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। आप देखें शिवराज ने शराबबंदी की बात करी थी और अब पलट गए, कभी आते बंद करने की बात करते हैं और पिछले दरवाजों से बाहर के लाइसेंस देने की बात करते हैं। तो शिवराज की सारी वास्तविकता जो भी है, चाहे वृक्षारोपण के नाम पे भ्रष्टाचार हो, या नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पे भ्रष्टाचार हो, या लगातार अभियान और जो ये अभिनंदन और योजनाएं चलाते हैं, इसकी सारी पोल हम जनता के बीच में निरंतर खोल रहे हैं। कहा यह जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर से सारे नेता जीवित हो गए हैं, कांग्रेस के सारे नेता प्रदेश के लिए निकल चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी नर्मदा किनारे यात्रा कर रहे हैं 6 महीने का उनका प्रोग्राम। कमलनाथ जी प्रदेश में लगातार सक्रिय चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और सिंधिया जी ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि जब तक प्रदेश से सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं तब तक माला नहीं पहने। तो अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जब सारे नेता एकजुट हैं, किस रणनीति के तहत आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा? पूर्व में भी सारे नेता एक थे, लेकिन जब चुनावी वर्ष आता तो निश्चित तौर पे सब नेताओं, जो कि सब सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली के अंदर सब बड़े पदों पर बैठे, तो कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय लेवल पे व्यवस्था रहती है, मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति और राष्ट्रीय नेतृत्व में चूंकि उनकी भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था के चलते वे अन्य प्रदेश भर के कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है तो सभी मध्यप्रदेश को भरपूर समय दे रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार सरकार के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसकी परिणति आपने देखा होगा कि एक रत्नेश पवार नाम का सिपाही छिंदवाड़ा में उनके ऊपर बंदूक तान देता है, इसके अंदर भी एक गहरी साजिश है। लगातार आप देखेंगे सिंधिया जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, कभी उनके परिवार को निशाना बनाया जाता है, मंत्री उनके खिलाफ एक निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग करके अपमानजनक बयान दे रहे हैं। तो जिस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार कांग्रेस के नेताओं को घेरने में लग गई, दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव तो निरंतर सक्रिय रहकर जनता के बीच में आंदोलन करते हैं और सरकार को लगातार घेरने के लिए आंदोलन करते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लगातार विधानसभा का भी सत्र गया, उस सत्र के अंदर भी लगातार सरकार के खिलाफ व्यापम से लेके
किसान आंदोलन से लेके तमाम मुद्दों को लेके उन्होंने 52 योजना की बात करें, सारे मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में उठाया, तो हमारे सब नेता अपने अपने मोर्चों पे लगे हुए हैं और सब एकजुट है। और इस बार सबने मन बना लिया है कि हमको तेरा मेरा छोड़ के हमें सिर्फ सरकार कैसे लाना उसकी बात करनी, चेहरा कोई भी हो, कमलनाथ जी को, सिंधिया जी को, सब बोल चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि किसी को भी चेहरा बना दो। सबका लक्ष्य एक ही है कि इस मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना और कांग्रेस के प्रदेश में वापसी करना। यहाँ तेरा मेरा और चेहरे की लड़ाई नहीं बची। दिग्विजय सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, देखने में भी आता है कि उनके बगैर कोई बड़ा निर्णय पार्टी में हो नहीं सकता। ऐसे में छुट्टी लेकर नर्मदा यात्रा पे आए, लेकिन तमाम सारे राजनीतिक लोग जब इस यात्रा से जुड़ गए, आप क्या मानते हैं कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए, क्या यह यात्रा गैर राजनीतिक है या इसमें भी कोई राजनीतिक संघर्ष है? मध्य प्रदेश के अंदर दो यात्रा निकली, आपने देखा होगा शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी, वो पूरी तरह से दिखावटी थी, पूरी तरह से ब्रांडिंग थी, करोड़ों रुपए खर्च करके एक अभियान के रूप में चलाई गई थी, फिल्मी सितारों से लेके संत महात्मा से लेके कई देश की सेलिब्रिटियों को बुलाया गया, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए, खरगोन जिले के अंदर एक आपने देखा होगा कि इंदौर की इवेंट कंपनी को एक आरती का बिल 59,000 रुपए दिया गया, एक ठेले वाले को जिसके पास कोई साधन नहीं उसे 1,000 लोगों के भोजन का बिल दिया गया, महेश्वर के एक एमपी टूरिज्म के टूरिस्ट रिसोर्ट को जो एमपी टूरिज्म का उसको शिवराज के रुकने के नाम पे फर्जी पेमेंट किया गया, तो लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके एक शिवराज की यात्रा निकली। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की यात्रा है, पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, गैर राजनीति के, बगैर प्रचार प्रसार के, कोई राजनीतिक बयान नहीं बोल दिए जा रहे, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, किसी से पैसे खर्च नहीं करवाए जा रहे हैं, कोई ब्रांडिंग कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, जो स्वेच्छा से उसमें खर्च कर रहा है ठीक है, किसी भी नेता से कोई करोड़ों रुपए जिस प्रकार से शिवराज की यात्रा में खर्च हुआ इस यात्रा के अंदर कोई खर्च नहीं आ रहा है, जनता को स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भोजन और जो छोटे मोटे खर्चे वो कर रही, पूरी तरह से पैदल और गैर राजनीतिक यात्रा है। लेकिन चूंकि एक दिग्विजय सिंह जी का एक अपना कद है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके इस यात्रा से कांग्रेस को बल तो मिल रहा है, मजबूती तो मिल रही है। कमलनाथ जी, सिंधिया जी, अरुण यादव हमारे सारे नेता उसमें शामिल हुए और चूंकि गुजरात चुनाव का दौर समाप्त हो चुका है तो हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी उसके अंदर शामिल हों, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की यात्रा कांग्रेस को फायदा तो मिल रहा है लेकिन यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, युवा चेहरा है, गुजरात में जिस तरीके से सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, क्या लगता है आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे राहुल गांधी के चेहरे का कितना फायदा होता है खासकर मध्य प्रदेश? देखिए ये तो साबित हो चुका है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रही थी और जनता इस बात को समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार राहुल गांधी की छवि को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था, जिसका प्रमाण खुद मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने भी एक युवा मोर्चा के सम्मेलन में दिया कि किस प्रकार राहुल गांधी का आलू वाला बयान हमारे कार्यकर्ताओं ने एडिट करके चलाया। तो लगातार राहुल गांधी के भाषणों को एडिट करके उनके खिलाफ सोशल मीडिया में दुष्प्रचार, चाहे सोमनाथ मंदिर में दर्शन की बात करें तो रजिस्टर जो एंट्री है उसके अंदर गलत साइन करके जान करके उनको उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाना जैसा काम करना, तो लगातार उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन गुजरात के बाद उनकी एक जो छवि है वो जनता के बीच में उभरी है, एक साफ गोई, एक सहजता, एक विनम्रता और एक जनता से जुड़ने वाले नेता की छवि बनी है। और मोदी की जो छवि है पूरी तरह से झूठ पे आधारित राजनीति की, एक चालाकी वाले भाषण देने की, झूठ बोलने की, अपने अभावग्रस्त अतीत को जनता के बीच में ले जाने की, अपने परिवार के बात करके वोट लेने की, तो इस तरह की छवि दोनों नेताओं की देश की जनता तुलना कर रही है। तो राहुल गांधी की छवि निखरी है, राहुल गांधी को लोगों ने पसंद किया है, जिसका परिणाम है कि हमारा वोट बैंक जो 31% था गुजरात के अंदर वो 38% तक गया है, भाजपा का जो वोट प्रतिशत 2014 में 60 था वो 48 से 49 पे गया, हमारी सीटें जो थी वो 61 से लेकर 77 तक पहुंची है और भाजपा की 115 सीटें से लेकर 99 पे आई है। तो हमारा ग्राफ बड़ा है, राहुल गांधी की छवि बड़ी है, उसका फायदा हमें जो 8 राज्यों के चुनाव 2018 में होने वाले विधानसभा के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उसमें हमें फायदा मिलेगा। और चूंकि मध्य प्रदेश की बात करना है तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की छवि का हमें बहुत फायदा मिलेगा। आमतौर पर सरोजा जी देखने में आता है कांग्रेस का कोई भी मंच हो, चाहे हम शहर की बात करें, प्रदेश की करें, तो भले राष्ट्रीय मंच हो, आज तक ऐसा बहुत कम देखने में आया है जब कांग्रेस के बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता एक साथ हो। राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में जिक्र कर दिया है कि युवा कांग्रेस के साथ है, ऐसे में क्या लगता है कि जो मनमुटाव छोटे मोटे पार्टी के अंदर होते रहते हैं क्या उनको मिटाकर राहुल गांधी एक मजबूत कांग्रेस खड़ी कर पाएंगे? 132 वर्ष पुरानी हमारी कांग्रेस है, चूंकि गुटबाजी तो आप देखेंगे आजादी के पूर्व से ही सब दूर चलती है,
तो गुटबाजी तो इतनी बड़ी पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, तो गुटबाजी तो चलती रहती छोटी मोटी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में सब एक है, सब एकजुटता से 2018 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव, सब नेता पूरी ताकत से पूरी ईमानदारी से जुटेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे, कांग्रेस की वापसी के लिए प्रयास करेंगे, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हमें बुजुर्गों के हमें सोनिया गांधी जी का मार्गदर्शन और अनुभव का भी फायदा मिलेगा और राहुल गांधी के युवा जोश का ही फायदा मिलेगा। उस प्रकार से हमारे जितने वरिष्ठ नेता है उनका अनुभव और मार्गदर्शन हमें मिलेगा और युवाओं की, चूंकि अब युवाओं का युग है, भविष्य युवाओं का, तो युवाओं की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है और राहुल गांधी को सबसे ज्यादा युवा ही पसंद करते हैं, तो उन युवाओं का फायदा भी हमें इन चुनाव में मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात हुई, इंदौर से आप सरोकार रखते हैं, इंदौर एक ऐसा शहर है जहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी की है, शहर विधायक भाजपा के हैं, महापौर भाजपा से हैं, बहुत सारे पार्षद भाजपा से हैं, स्वच्छता को लेकर इंदौर में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, ऐसे में इंदौर शहर में जो योजनाएं आई, इंदौर शहर में जो काम हुआ, उसका आकलन किस तरह से आप करते हैं? स्वच्छता के अंदर, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर नंबर वन आया तो हम सबके लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके पीछे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो इंदौर के नगर निगम है वो टोटल स्वच्छता के अलावा बाकी सब कामों के अंदर जीरो है। आप देखें सारे विभाग ठप पड़े हैं और नगर निगम के जितने भी कर्ता धर्ता है या मुखिया है वो स्वच्छता के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरे शहर में बस कचरा और स्वच्छता की बात सूझ रही है, पूरे नगर निगम का प्रशासन ठप पड़ा है, लोगों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है, गरीब ठेले वालों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, बड़े बड़े रसूखदार मैरिज गार्डन वाले, हॉस्पिटल वाले या नर्सिंग होम वाले, ये देखें सब अतिक्रमण करके बैठे, बड़े बड़े माल वाले राजबाड़े की बात करें तो छोटी छोटी घुमटियों को हटा दिया गया और पीछे जो राजबाड़े का जो चौथा गेट है उससे सट के जो बहुमंजिला इमारतें बनाई गई है उनको टाइम दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, उनसे मात्र 10 फुट मांगा जा रहा है और घुमटियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। आप बात करें गणेशगंज की, बात करें बियाबानी की, बात करें सुभाष मार्ग की, बात करें कनाड़िया की, बात करें तो जितना अतिक्रमण हटाया गया ये सब गरीब लोगों का अतिक्रमण हटाया गया और पूरी तरह से, चाहे दिवाली का आपने देखा होगा, दिवाली पे कनाड़िया पे काली दिवाली कर दी थी, आप देखें कि होली के अंदर अतिक्रमण हटाया गया, तो जितने धार्मिक त्यौहार हैं उन त्योहारों के ऊपर अतिक्रमण सारा हटाया गया, लेकिन सब गरीबों का। आप देखें बड़े बड़े रसूखदार जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उसके ऊपर नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही, तो नगर निगम पूरी तरह तानाशाही और हिटलरशाही से इंदौर की चल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात उसको लेकर ठीक कारगर और सही काम हो रहे, लेकिन उसके कारण जो बाकी काम ठप पड़े पूरा शहर ठप पड़ा वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी और नगर निगम की और जवाबदारियां उसके ऊपर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। और अब अंत में हम ये बात करते हैं कि जब युवाओं की बात हुई, कांग्रेस युवाओं को जोड़ रही है, टैलेंटेड इंडिया हमारा जो शुरुआत हुई है पोर्टल है, इससे देश के युवा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लाखों 5 लाख की संख्या में पाठक जुड़े हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका और युवाओं से क्या अपील करेगी? मैं बधाई देता हूँ टैलेंटेड इंडिया को कि वो अपने लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ रहा है और आज मुझे भी आपने बुलाया इस कार्यक्रम के अंदर, इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं का युग है, युवा चाहे तो परिवर्तन की क्रांति ला सकते हैं। आज देश जिस हालत से गुजर रहा है, जिस प्रकार से भाई को लड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से तमाम झूठ के ऊपर सरकार चलाई जा रही है, जिस प्रकार से देश विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार अभी एक 2G का मामला आया घोटाले का, 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया गया था, पूरा मामला टाइफिस निकला, तो झूठ की बुनियाद पे जो राजनीति चल रही, कोई भी राजनीतिक दल करे, कांग्रेस भी हो भाजपा भी हो, ऐसी झूठ के आधारित राजनीति में परिवर्तन लाए, सच का साथ दें और इस देश में ऐसे लोगों को आगे लाएं जो इस देश का भला कर सके, यही बोलना चाहता हूं। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, जिन्होंने बात की मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में, साथ ही साथ अब देश में कांग्रेस किस तरह से उभरेगी इस बारे में। उम्मीद यही की जा सकती है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीति में एक नया अध्याय अब हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर नई सेलिब्रिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।